बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार से बाहर जो चल रहा है, लेकिन बिहार में किसानों को लेकर कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से की गई पहल के बाद तेजी से धान की खरीदी हो रही है और यहाँ कोई समस्याएं नहीं है, इसलिए किसान आंदोलन का कोई असर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार गुरुवार की रात पत्रकारों से जेडीयू कार्यालय में बातचीत करते हुए दिखे। बता दें, मुख्यमंत्री गुरुवार की शाम 4 घंटे तक जेडीयू कार्यकाल में रहकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 और 27 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग उनसे मिलने आए थे, लेकिन वहां के चुनाव को लेकर उनके साथ कोई चर्चा नहीं हुई। बता दें कि बबूल महतो के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल से आए करीब 25 नौजवानों से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, उनसे पार्टी में काम करने और बंगाल में जेडीयू संगठन को मजबूत करने के लिए आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद और शुभकामनाएं दोनों दी। उन्होंने आरसीपी सिंह को इस बारे में देखने भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उनसे मिलने की इच्छा रखने वाली साथी पार्टी दफ्तर आते हैं, जहां एक दूरी से बातचीत होती है। मुख्यमंत्री आवास लौटने के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने उनसे मिलने की इच्छा जताई, तब नीतीश कुमार खुद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें भी खिंचाई। कर्पूरी सभागार में हुई इस बैठक में नीतीश कुमार से पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही पूर्व विधायक ललन पासवान और पूर्व एमएलसी दिलीप चौधरी और अनुज सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ सांसद आरसीपी सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री संजय सिंह भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।